दोस्तों आज जितने भी लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, हर आदमी एक मेहनत कर रहा है, एक स्पेशल किस्म की मेहनत। हर आदमी जासूस बना हुआ है ये ढूंढने के लिए कि क्या किसी के हाथ में कोई मल्टीबैगर लग सकता है। क्या आप वो स्टॉक ढूंढने में कामयाब हुए हैं जो आपकी किस्मत बदल सकता है? क्या आपको भी ऐसे स्टॉक हाथ लग सकते हैं जैसे HEG ग्रेफाइट पुराने दिनों में हुए थे, जहां 2-3 साल पहले वो स्टॉक्स कुछ सैकड़ों के भाव से हजारों रुपए में चले गए थे? क्या आप भी मल्टीबैगर शेयर्स ढूंढते रहते हैं? दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए खास मेहनत करके आपके लिए ढूंढ के लाया हूं कि एक ऐसा सेक्टर जो आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर सकता है, जिसके परफॉर्म करने के चांसेस पूरे पूरे हैं। दोस्तों COVID-19 के चलते जो लॉकडाउन हो गया है, जो इंडस्ट्रीज में ब्रेकडाउन है, जो जगह जगह मैन्युफैक्चरिंग में शटडाउन है, वहीं ये सेक्टर आने वाले टाइम में एक बम की तरह विस्फोट करने वाला है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वो स्टॉक है जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। जरूरत है तो इस सेक्टर को ढंग से स्टडी करने की। इस वीडियो में जितने भी स्टॉक्स में डिस्कस करने वाला हूं, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक एक स्लाइड को ढंग से देखिएगा, समझिएगा हम किस स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, और प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए क्या लेके आया हूं, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं केमिकल इंडस्ट्री की। जी हां, केमिकल इंडस्ट्री क्यों मल्टीबैगर हो सकती है, क्यों वो आउट परफॉर्म करेगी, क्यों उसकी डिमांड खत्म नहीं होगी? इतना सब कुछ खत्म हो जाने के बाद, इतनी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाने के बाद, ये इंडस्ट्री क्यों चार चांद लगा सकती है आपके पोर्टफोलियो में, अगर आपने इसने ढंग से स्टडी किया। चलिए देखते हैं। और इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स उस केमिकल इंडस्ट्री से जो आपको शायद ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए मेहनत कर दिया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन तो अभी दबा दीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखिएगा, और हाँ लाइक करना ना भूले, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। आगे इस वीडियो में होगा कि ये जो सेक्टर है जिन शेयर्स की हम बात कर रहे हैं, उनका जो रेवेन्यू है कहां से आता है, वो टोटल रेवेन्यू कौन कौन सी जगह से इकट्ठा करते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या आप सही शेयर पे दांव लगा रहे हैं। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। आखिर में देखेंगे उनके चार्ट्स, उसकी फाइनेंशियल्स, कुछ रेशियोज देखने की कोशिश करेंगे जो आपको मदद करेंगे ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में। दोस्तों एक मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कहने वाला हूं कि केमिकल इंडस्ट्री बाकी किसी भी सेक्टर से ज्यादा तेज रिकवर करेगी COVID-19 के इफेक्ट के बावजूद भी। आगे इस वीडियो में देखते हैं कि ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं। दोस्तों रीजन आपकी स्क्रीन पे है। जी हां, ये वो इंडस्ट्री है जो 3 सबसे दिग्गज सेक्टर्स को माल सप्लाई करता है। सबसे पहला है फार्मास्यूटिकल्स, दूसरा है पर्सनल हाइजीन एंड हेल्थ केयर, और तीसरा है एग्रोकेमिकल्स। दोस्तों आज की डिमांड क्या है? आज की डिमांड है सैनिटाइजर्स की, आज की डिमांड है पर्सनल हाइजीन की, आज की डिमांड है पर्सनल हेल्थ केयर की। दोस्तों ये वो सेक्टर है जो इन सभी सेक्टर्स को, चाहे वो एग्रोकेमिकल्स हों, चाहे वो पर्सनल हाइजीन के केमिकल्स हों, चाहे वो सैनिटाइजर्स या दवाई में डालने वाले केमिकल्स हों, इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। COVID-19 ने लोगों को एक चीज के लिए जरूर जागरूक किया है, अपने स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों हम अपनी सेहत भूल गए थे, हम अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज करके कुछ भी करने लगे थे, बट हां आज COVID-19 ने हम सबको ये चेता दिया है, डरा दिया है, समझा दिया है और विश्वास दिला दिया है, जान है तो जहान है। चलिए आगे देखते हैं कि इस सेक्टर में से आपके लिए बेस्ट स्टॉक्स कौन कौन से लेके आए। सबसे पहला स्टॉक आपके लिए लेके आए विनाती ऑर्गेनिक्स, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ के आसपास में। दूसरा स्टॉक है PI इंडस्ट्रीज, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 21,833 करोड़। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,960 करोड़। एडवांस एंजाइम, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,600 करोड़ के आसपास। फाइन ऑर्गेनिक्स 6,168 करोड़। नवीन फ्लोरिन 7,785 करोड़। SRF, ये नाम आपने सुना ही होगा, 21,302 करोड़। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आरती इंडस्ट्रीज 19,300 करोड़। दोस्तों ये वो कुछ नाम है जो इस इंडस्ट्री को, जो हेल्थ केयर की हमने बात की, जो एग्रोकेमिकल्स की हमने बात की, या जो दवाई बनाने के कारोबार की बात की, ये वो मेन इंडस्ट्री के वो दिग्गज शेयर्स हैं जो अपना केमिकल सप्लाई करते हैं इस इंडस्ट्री को। और भी बहुत सारी कंपनी हो सकती है, बट ये वो कंपनी है जिनका मेजर प्रपोर्शन बहुत हाई है इस इंडस्ट्री के लिए। तो ये वो सेक्टर हो सकता है, ये वो शेयर हो सकते हैं जो आने वाले टाइम में मल्टीबैगर साबित हो। चलिए आगे देखते हैं हमारे इस वीडियो में क्या छुपा है। दोस्तों अगले सेक्शन में हम इसका रिवेन्यू ब्रेकअप देखने की कोशिश करेंगे कि किस कंपनी में रिवेन्यू ब्रेकअप क्या है, कहां से रिवेन्यू आता है, कैसे रिवेन्यू सोर्स करते हैं, कहां माल बेचते हैं, कहां से पैसा आता है, ताकि पता लगे क्या सही जगह माल जा रहा है। अगर सही जगह माल जा रहा है दोस्तों, फिर तो कंपनी मुनाफा कमाएगी ही कमाएगी। और ये वो सभी कंपनियां हैं जो दोस्तों डिविडेंड पे करती हैं। डिविडेंड कैसे पे होता है? डिविडेंड पे होता है जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है। तो डिविडेंड इज ऑलवेज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, दैट्स द सिंपलेस्ट ऑफ द डेफिनेशन अवेलेबल इन द वर्ल्ड, राइट? अब समझिए,
डिविडेंड सिर्फ कंपनी तभी पे करेगी जब वो प्रॉफिट कमा रही होगी। अगर कंपनी लॉस में है, डिविडेंड देने में लगी हुई है, तो एक दिन उसका भट्टा बैठ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है, जो आपकी मेरी हेल्थ से जुड़ा हुआ है, जो आपकी मेरी दवाइयों से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों ऑफकोर्स इस सेक्टर पर हमें नजर रखनी चाहिए। चलिए इसका रिवेन्यू ब्रेकअप देखने की कोशिश करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बड़ी मेहनत की है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। SRF, सबसे पहले मैं SRF की बात करते हैं। स्क्रीन पे देखिए दोस्तों इसका रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन कहां कहां से आता है। अगर पैकेजिंग एंड फिल्म से इसको रिवेन्यू आता है 34% के आसपास में, केमिकल से इसको रिवेन्यू आता है 32%, टेक्निकल टेक्सटाइल से इसको रिवेन्यू आता है 27% और अदर से इसको आता है 7% रिवेन्यू। आरती इंडस्ट्रीज दिग्गज शेयर, बड़ी कंपनी है, देखिए इसका 20% एग्रोकेमिकल से आता है रिवेन्यू, डाइज और पिगमेंट से इसको 20% रिवेन्यू आता है, पेंट्स एंड कोटिंग से 15% रिवेन्यू आता है, पॉलीमर्स एंड एडिटिव से इसको 15% और अदर से 30% रिवेन्यू कमाती है कंपनी। चलिए देखते हैं अगली कंपनी कौन सी है। अब नवीन फ्लोरीन का रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखने की कोशिश करते हैं। फार्मा से 31%। दोस्तों इस वीडियो के अंत तक जाते जाते मैं आपको दावा कर सकता हूं आप अपना स्टॉक सेलेक्ट कर चुके होंगे। ये मैं आपको स्टॉक सेलेक्ट करके नहीं दूंगा, आपको सिलेक्शन करने में मदद करूंगा। तो अंत तक जाते जाते दोस्तों प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। आप अपना स्टॉक सिलेक्शन कर चुके होंगे जो आने वाले टाइम में मल्टीबैगर होगा, आपके पोर्टफोलियो को पैसा बनाने वाला होगा। नवीन की बात करें तो फार्मा से 31% आता है इसको, एग्रोकेमिकल से 13%, बाकी एक्टिविटी से 56%, एडवांस एंजाइम्स की अगर बात करें तो 73% रिवेन्यू उसको ह्यूमन हेल्थ केयर से आता है। सोच के देखिए, यही नीड ऑफ द आवर है, यही डिमांड है दोस्तों आज की डेट में। एनिमल हेल्थ केयर से उसको 12% आता है और बायोप्रोसेसिंग से उसको 15% रिवेन्यू आता है। दोस्तों अगला नंबर है दिग्गज कंपनी गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स का, 100% रिवेन्यू इसका देखिए कहां से आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे है। 100% रिवेन्यू इस कंपनी का हाइजीन एंड पर्सनल केयर से आता है। दोस्तों आज आपको किस चीज की जरूरत है आप सोचिए, देखिए आज आपको और मुझे हाइजीन और पर्सनल हेल्थ केयर की जरूरत है और पूरा का पूरा रिवेन्यू एक ही जगह से, मतलब शायद ये कंपनी पूरा पूरा फोकस इसी तरफ है। दोस्तों आप समझ के देखिए, आई होप आपको अपने स्टॉक सिलेक्शन करने में मदद मिल रही होगी, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो। PI इंडस्ट्रीज 90% रिवेन्यू एग्रोकेमिकल बिजनेस से आता है। दोस्तों इसकी भी डिमांड बढ़ने वाली है, बहुत जबरदस्त डिमांड बढ़ने वाली है, और बाकी सबसे 10%। फाइन ऑर्गेनिक्स का 70% रिवेन्यू पॉलीमर एडिटिव से आता है, 15% फूड एडिटिव से आता है, 10% हाइजीन एंड पर्सनल केयर से, बाकी से 5%। विनाती ऑर्गेनिक्स फार्मा को 19% माल सप्लाई करती है, बाकी सबको 81%। दोस्तों अगले सेक्शन में हम इन सब स्टॉक्स के चार्ट देखने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स की बात करने वाले। दोस्तों ये वीडियो बहुत शॉर्ट एंड प्रिसाइज है, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं दबाया तो लाइक दबाइए दोस्तों, बहुत जरूरी है लाइक दबाना। चलिए दोस्तों स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, हम बात करते हैं विनाती ऑर्गेनिक्स की। इस कंपनी के अगर चार्ट के अगर ऊपर ध्यान दें तो चार्ट मैंने आपके लिए एक वीकली बेसिस का चार्ट आपके सामने रखा है, और ध्यान से देखिए 25 मार्च को 651 रुपए का लो बनाने के बाद कंपनी 1000 रुपए तक टच कर चुकी है। सोचिए कितनी जबरदस्त रिटर्न इस कंपनी ने दी है। 52 वीक हाई इस कंपनी का 1196 रुपए का, लो 651 रुपए का, और अभी हाल फिलहाल ट्रेड करिए 985 पे। फंडामेंटल्स पे जरा सा आ जाए तो लेफ्ट साइड पे देखिए आपके लिए क्या रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। दोस्तों यहां देखिए जहां मेरा कर्सर है, 5 साल की एवरेज पीई इस कंपनी की 28.6 की है, वहीं 2021 फाइनेंशियल ईयर की जो पी है 25.4% है, और इंडस्ट्री पी की बात करें तो इंडस्ट्री पी 24.44। दोस्तों मुझे लगता है अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं, तो जब भी बाजार दोबारा गिरता है ये कंपनी अच्छे भाव में मिलती है, इस पे नजर गड़ा के रखिए, ये कंपनी अच्छी मल्टीबैगर हो सकती है। दोस्तों स्टडी जरूर कीजिएगा इसके ऊपर। डिविडेंड पे करती है 0.36% के आसपास में, तो रेगुलर डिविडेंड पे करती है, पी कंट्रोल में है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकती है। चलिए देखते हैं अगली कंपनी का चार्ट क्या कहता है। अगली कंपनी है PI इंडस्ट्रीज, इसके चार्ट पे नजर डालने की कोशिश कीजिए। 52 वीक हाई इसका 1629 रुपए का, 970 का लो बनाया, 970 का लो बनाया 25 मार्च को दोबारा से। उसके बाद कंपनी ने 1566-1600 रुपए तक का इसने हाई लगा दिया, 1600 रुपए तक का हाई बना चुकी है कंपनी अपने 52 वीक हाई के पास। बाजार खराब है, 52 वीक हाई के पास कंपनी पहुंच चुकी है। कंपनी के फंडामेंटल्स पे नजर डालिए, स्क्रीन के लेफ्ट पे देखिए, 5 साल की जो एवरेज पी है वो 33.9 है, और अभी इस साल की जो पी है फाइनेंशियल ईयर 2021 की वो 30.10, इंडस्ट्री की पी 40.17, मतलब इंडस्ट्री की पी हायर है, उससे अंडर
वैल्यूएशंस पे है, तो मेरे ख्याल से अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है दोस्तों इसकी। डिविडेंड पे करती है 0.25% के आसपास में। इस कंपनी को भी सोचने में हमारी हर्ज नहीं होनी चाहिए। आप सोच के देखिए कितने कमाल के स्टॉक्स आपके लिए ढूंढ के लेके आया हूं। अगली कंपनी है गैलेक्सी। गैलेक्सी अगर बात करें तो 5 साल की पी 26.1 और फाइनेंशियल ईयर 2021 की पी 18.9, इंडस्ट्री की पी 45.77 और डिविडेंड पे करती है 0.57 का। इससे ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस नहीं हो सकती है दोस्तों। वहीं इससे भी 23 मार्च के आसपास में जो लो था 1028 का, वहां से कंपनी भागी और कम से कम 1400-1500 के आसपास का इसने हाई लगाया। वहीं जो हाई रहा है 52 वीक हाई इसका 1789 रुपए का, लो रहा 980 रुपए का। दोस्तों अभी हाल फिलहाल ट्रेड करिए 1400 रुपए के भाव के आसपास में। आप इस कंपनी को अपने टारगेट में रखिए, वैल्यूएशंस देखते रहिए। जब आपको लगता है इसका प्राइस अट्रैक्टिव हो सकता है, जब ये सब जितने भी स्टॉक्स हैं दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की आपसे बात नहीं कर रहा हूं। हम मल्टीबैगर स्टॉक्स की बात करते हैं तो वो स्टॉक्स वो होते हैं जब हम जिनको लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाते हैं, पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं। ये पेंडेमिक का जो आफ्टर इफेक्ट है अभी सालों साल चलने वाला है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि पेंडेमिक खत्म, 2-4 महीने में अगर बीमारी खत्म हो जाएगी तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, नहीं। पर्सनल हेल्थ केयर पे, हाइजीन पे, केमिकल इंडस्ट्री पे, दवाइयों पे पैसा खर्च होगा ही होगा। अगले शेयर की बात करें एडवांस एंजाइम्स की। चलिए एडवांस एंजाइम्स के ऊपर देखिए, फाइनेंशियल्स को देखने की कोशिश कीजिए। 5 साल की एवरेज पी है 20.3, काफी अच्छी वैल्यूएशंस हैं। 2021 की पी 11.2 दोस्तों, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। इंडस्ट्री पी 16.63, हर लिहाज से पी के मामले में अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करूं तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं। डिविडेंड पे करती है 0.41% के आसपास में और 52 वीक हाई करनी है 224 रुपए, 98 रुपए का लो लगाया और हाल फिलहाल 146 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। इसने भी 23 मार्च को 98 रुपीज का जो लो लगाया था, वहां से कंपनी 146 रुपए तक आ गई है। आप सोच के देखिए क्या ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकती है। चलिए देखते हैं अगला शेयर कौन सा है। बात करते हैं नवीन की। नवीन के फाइनेंशियल पे नजर डालने की कोशिश कीजिए। इंडस्ट्री पी जहां 39 की है, वहीं नवीन ने अपनी पी को मेंटेन करके रखा है 30 पे। डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है। अगर लो की देखे, लो की बात की जाए, 977 रुपए का लो लगाने के बाद कंपनी 1600 रुपए तक का हाई बना चुकी है। 1693 का 52 वीक हाई भी है, 570 का लो लगाया था। अगर ये कंपनी आपको अपने रडार में रखनी है, रख सकते हैं, बहुत ही शानदार कंपनी है। उसके बाद हम बात करें दिग्गज कंपनी एसआरएफ की। एसआरएफ की वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव दिखाई देती है। मुझे इस फील्ड का सबसे शानदार प्लेयर ये दिखाई देता है। जहां इंडस्ट्री पी 40 की है, वही इसने अपनी पी को मेंटेन करके रखा है 20 पे। लो था 2467 का, हाई था 4260 का। अभी भी हाल फिलहाल 3700 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए कंपनी। इस कंपनी को नजर में रखिए दोस्तों, क्योंकि ये सारी कंपनी जब बाजार में अब जो मंदी की शुरुआत हो रही है या जो करेक्शन का फेस दोबारा स्टार्ट हो रहा है, यहां पे हो सकता है कंपनी अट्रैक्टिव प्राइस में मिले। आरती इंडस्ट्रीज की अगर इंडस्ट्रियल पी की बात करें तो 16 के आसपास की, वहीं कंपनी ने अपनी पी को मेंटेन किया 24 के आसपास में। एक कंपनी जो 52 वीक लो देखा जाए 668 रुपए और हाई देखा जाए तो 1138 रुपए के आसपास में। दोस्तों अच्छी वैल्यूएशंस है, सारी वैल्यूएशंस आपकी स्क्रीन पे है। दोस्तों कभी भी कोई शेयर या कोई भी सेक्टर मल्टीबैगर सिर्फ तब बन सकता है जब उसकी एक अचानक डिमांड आए और जबरदस्त डिमांड आए। दोस्तों ये सभी कंपनीज वो हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी हैं। देखा जाए तो मोर देन 40% का एवरेज एक्सपोर्ट भी है। तो जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है बड़ा अच्छा काम करती है, हमारे देश की दिग्गज कंपनीज हैं दोस्तों। जब इस समय में डिमांड है पर्सनल हाइजीन की, केमिकल इंडस्ट्री में दवाइयों की, तो ये वो कंपनीज हैं दोस्तों जो स्पेशल केमिकल प्रोवाइड करती हैं दूसरी इंडस्ट्रीज को। दोस्तों ऐसी ही कंपनीज मल्टीबैगर बनती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस रखिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।